स साल तक पानी की कमी नहीं आती थी, थी साठ लाख गैलन कैपेसिटी है उस टैंक की जो मेन अट्रैक्शन है यहाँ का वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थर्टी सिक्स में फोर्ट बनाया है उस समय यहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इतना प्लान से बनाया था ये देख रहे हैं आपके सामने ये पोंड है जी 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 वो सामने जो मोरी दिख रही है होल दिख रहा है वहाँ से जी पानी आता है हम लोग ऊपर जा रहे हैं टॉप पे फोर्ट के पीछे देखेंगे पहाड़ के ऊपर चार किलोमीटर लंबी एक वॉर कैनाल है ये है वो कैनाल जहाँ से पानी आता था लगभग दो सौ मीटर तो आपको ये नेरो दिखाई देगी ठीक है दो सौ मीटर बाद में वो जो कार गई ना वो उससे हरा पेड़ है उससे पहले देखिए रोड के नीचे दो पाइप लगा रखें यहाँ से गोल गोल से पाइप हल्के से नजर आ रहे हैं वो, वो आगे फैलना स्टार्ट होती है चार किलोमीटर आगे जाके वन किलोमीटर वाइड है फिर यहाँ से पानी आता है पानी आने के बाद देखिए जाली है बिल्कुल जाली में जो को बड़ा कचरा होता है वो यहाँ पे रुक जाता है पानी अंदर आता है वही कनाल है जो हमने दीवार के पीछे जो पहाड़ के ऊपर देखी थी जी 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 वो एक बार ढलान है यहाँ पे दस फीट का ढलान है पानी तेजी से आता है ठीक है और फिर वापस पांच फीट ऊंचाई दे रखी है पांच फीट पानी ऊंचाई होने से क्या इस लेवल पे पानी रुकता है जी जी ये लेवल है ना यहाँ तक पानी रुकता है पानी रुकने से क्या जो भारी चीज होती है कंकर भी आते हैं पत्थर वगैरह साथ में बह के भारी चीज नीचे बैठती रहती है और पत्ते और पानी आगे चलते हैं अच्छा और यहाँ पे आने के बाद पांच फुट पानी स्टोर होने के बाद यहाँ पे आने के बाद ये कैनाल दो पार्ट में डिवाइड होती है ओके एक रास्ता ये है हाँ? ये लगभग साढ़े साढ़े पांच फीट हाइट है, है जो कैनाल है तो पहले ये सामने वाला रास्ता बंद रहता है पहले ये खुला रहता है जो पोंड में पानी जाता है सुर में पानी जाते में कचरा पत्ते मिट्टी आती है उसे पोंड भर लेते हैं खुला वाला पोड खुला वाला पोंड है, है ताकि कि किले के रिपेयर के लिए काम आ सके पेड़ों के लिए ट्रीज के लिए ताकि पानी टैंकों का सेफ रहे है। जब पानी क्लीन आने लगता है तो इस गेट को देते हैं तो यह, यह बंद हो जाता है, और पानी सीधा यहाँ पे आगे जाके करीब यहाँ से पांच मीटर आगे आधा किलोमीटर आगे तीन टैंक है और यहाँ पर यह जो दो रास्ते बताए हैं जो पहला रास्ता वो जो पहली दूसरी बारिश का पानी जो जाता था इधर जो आप ये खुला हुआ पोंड देख रहे हैं इस वाले पोंड के अंदर उस पानी को कलेक्ट किया जाता था लगभग तीस फीट इसकी गहराई है वो अंडरग्राउंड कैनाल वो सामने कोना है ना उससे ओपन होती है यहाँ पे आके ओपन होके पानी यहाँ पे गिरता है यहाँ पे आके पानी स्टोर होता है बीच में ये होद बना रखा है क्योंकि कैनाल में भी तो मिट्टी हो सकती है केनाल में पत्थर हो सकते हैं जो बाद में कोई मिट्टी या पत्थर है तो यहाँ पे बैठ जाए ठीक है और यहाँ पे आके थोड़ा पानी स्टोर होता है उसके बाद यहाँ पे देखो गेट सिस्टम है दो रास्ते हैं ये गेट बंद रखते हैं ताकि पानी इधर निकल जाए ओके पानी इधर जाता है पहला टैंक भरेगा ओवरफ्लो के उसके बाद दूसरा फिर थर्ड टैंक में आएगा कभी बारिश लगातार कम हो रही है कई सालों से और तीनों टैंक खाली हो गए हैं और लग रहा है कि मानसून जाने वाला है तो डायरेक्ट पानी भी उसमें जा सके इसलिए लास्ट टैंक में तीन टैंक ओवरफ्लो नहीं होकर डायरेक्ट भी जा सके इसलिए वो सिस्टम में रखा है तो ये एक रास्ता ये है तो उसको इस गेट को पहले इधर बंद करते हैं अगर बारिश कम हुई है सीजन जा रहा है पानी के टैंक तीनों खाली पड़े हैं तो डायरेक्ट फिर इस टैंक में डायरेक्ट करते थे ओके okay. इसमें डाइवर्ट करने से डायरेक्ट टैंक भी भर सकता था लेकिन अगर टैंक पहले वाले दो टैंकों में पानी है और बारिश का सीजन स्टार्ट ही हुआ है तो कोशिश ये करते थे पहले उन टैंकों में जाए ही. दो टैंक ओवरफ्लो हो ही. उसके बाद थर्ड टैंक में जाए ताकि पानी एकदम क्लीन हो जाए और यहाँ से ये छोटी सी कैनाल आते 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 इधर इस टैंक में पहुंच जाती है बिल्कुल यहाँ पे पानी आता है ये पानी यहाँ से आके पहले टैंक में गिरता है वो पोन्ड के खुले पौंड के अलावा जी जी, जी ये जी पहला टैंक है देखिए यहाँ पे आप गेट में आएंगे गेट की तरफ आएंगे तो आपको ये पानी का टैंक नजर आएगा और सामने चार पाइप नजर आएंगे देखिए वो चार पाइप सामने मिट्टी के सक्करों को जोड़ जोड़ के पाइप लाइन बनाई अच्छा। पत्थर में होल करके ताकि पानी टैंक भरने के बाद ओवरफ्लो के पानी पाइपों से अगले टैंक में जा सके पुराने जमाने में इसको निथार सिस्टम बोलते पानी निथर के साफ होता था आजकल अंग्रेजी में उसको मेंडिमेंटल सिस्टम बोल देता है तो ये टैंक भर के पानी ओवरफ्लो होगा चालीस फुट गहरा टैंक है उसके बाद पाइपों से अगले टैंक में जाएगा ठीक है अगला टैंक से भी गहरा ऊब फुट गहरा उसके भरने के बाद ऐसे पाइप राइट को लगे राइट में ये टैंक है थर्ड टैंक अच्छा। जो सबसे बड़ा टैंक है लास्ट टैंक है आखिरी टैंक है इसमें आते आते पानी एकदम क्लीन हो जाता था ओके। और लास्ट टैंक का पानी पीने के लिए काम लेते थे साइड में 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 विंडो विंडो भी है लास्ट टैंक और में नहीं हैं हाँ। ताकि वेंटिलेशन हो सके वेंटिलेशन हो सके वेंटिलेशन होने से पानी ठंडा रहता है पानी में ऑक्सीजन जाती है इसलिए ये विंडो बना रखी है उस समय उन लोगों को पता था और इसके सेंटर में गोल सी जगह देखिए वो गोल सी जगह उसके ऊपर एक पत्थर रखा है उसके नीचे टू बाई टू का एक विंडो है अच्छा वो सेंटर है टैंक का पानी काफी बड़ा टैंक है है फीट लंबाई वाइड है फोर्टी फीट डीप है सिक्स मिलियन गैलन वाटर कैपेसिटी है इसकी जब से ये किला बनाया जब से ये टैंक था उसके बाद पहली बार शायद इस टैंक का पूरा पानी बाहर निकला गया क्योंकि पानी पूरा कभी नहीं निकला पता नहीं बारिश हो या नहीं हो जी जी लेकिन आजकल तो काफी साधन आ गए टैंकर आ गए पानी के तो पानी के टैंकर है इसलिए इसका पूरा पानी बाहर निकाल के इसकी सफाई के चल रही है सफाई हो गई लगभग इसकी और इसके रिपेयर कर करके वापस नए सिरे से पानी स्टार्ट होगा और और एक इसकी कमाल की चीज मैं आपको बता देता हूँ जैसे ये पूरा का पूरा आप टैंक देख रहे हैं अंडरग्राउंड इसमें ये सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं एक इस साइड में बनाई हुई है, ऐसे इस साइड में बनाई हुई है यानी अगर इसका पानी किसी वजह से लेवल इसका कम होता है तो इजीली सीढ़ियों से आप नीचे आइए और पानी भरकर उसको इस्तेमाल के लिए बाहर ले जा सकते हैं कमाल की टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग एक हज़ार साल पुरानी इंजीनियरिंग है भाई साहब ये